नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पनीर चंगेज़ी बनाने जा रहे हैं। पनीर चंगेज़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं, कृपया नोट कर लें। पनीर चंगेज़ी बनाने के लिए हमने आधा किलो पनीर लिया है, साबुत धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 3, लौंग 4, इलायची 4, मोटी इलायची 1, दालचीनी का टुकड़ा, दही 3 टेबलस्पून, टमाटर प्यूरी 4 टमाटर की, प्याज 4, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, बेसन 2 से 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, सबसे पहले हम पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद उसमें मैरिनेशन के लिए थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, थोड़ा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम। दही डालेंगे हम उसमें 2 टेबलस्पून के करीब। दही की नमी को कम करने के लिए हमने इसमें बेसन भी डालना है। आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब, इसमें 1 से 2 के करीब बेसन डालें, जिससे कि दही की जो नमी है, पानी जो छोड़ती है दही, वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। अच्छे से कोट कर दें उसको, अच्छे से आपस में मिक्स करें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके अंदर हमने क्रीम भी डालना है या दूध की मलाई डाल दें, फ्रेश क्रीम जो भी मिले आपको। जितने भी हमारे साबुत मसाले हैं उन्हें ड्राई रोस्ट करें अच्छे से। भी आप साबुत लाल मिर्च को अगर रोस्ट करते हैं या तलते हैं, फ्राई करते हैं, उसे अचमक लगाते हैं, तो उसे बीच में से थोड़ा सा तोड़ लें, वरना वो फट जाती है और उससे नुकसान हो सकता है। बीच में से थोड़ा सा तोड़ लें। अब पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मसाले को एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल के गर्म होने पर इसमें एक एक करके पनीर के पीस डाल दें। तेल हमारा गर्म हो रहा है, अभी एक एक करके पनीर के पीस डालें। पनीर को हल्का सा रोस्ट करना है ताकि पनीर में कुछ अलग सा टेक्सचर आए और जो हमारा मैरिनेशन है वो थोड़ा सा पक जाए। बीच बीच में आप पनीर को हिलाते रहें। चारों साइड से पकाएं इसे अच्छे से।
नॉन स्टिक में पकाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इसकी सारी कोटिंग चिपक जाएगी पैन में। बीच बीच में पलटते रहें अच्छे से। हमारा पनीर फ्राई हो गया है। इसी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को आप जितना भी बारीक कर सकें या चॉप कर लें अच्छे से। कद्दूकस भी कर सकते हैं, हमारी ग्रेवी बहुत ही चंकी बनेगी बढ़िया से। हमारा प्याज रोस्ट हो गया है, अब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1-2 के करीब टेबल स्पून। बिल्कुल निकल जाए। अब जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे और पीसा था उन्हें मिक्सी में, अब हम उसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट में डाल देंगे। हमारे पाउडर मसाले, हल्दी, गरम मसाला, धनिया जो भी था वो भी डाल दें साथ में, अच्छे से भूने। थोड़ा सा पानी डालकर भूने जिससे कि मसाला नीचे से जले ना। मसाला हमारा पकने पर आ गया है, अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालकर पकाएंगे इसे। अच्छे से इसे पकाएं और जब उसके बाद फिर दही डालने के बाद जब दही भुन जाए तब उसके अंदर हम पिसे हुए टमाटर डालेंगे। जब हमारा दही थोड़ा पकने लग जाए तब हम उसको उसमें नमक डालेंगे। दही डालने से जो टैंगी टेस्ट आता है वो इसे अलग दूसरे पनीर के पत्ते से अलग ही टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पानी आप अपने अंदाज से डालें, कम या ज़्यादा पानी ना डालें इसमें। इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखें। जब हमारा पानी पक गया है ऐसे मसाले में, ग्रेवी हमारी पक गई है, तब हम उसमें अपनी पनीर डाल देंगे। पनीर के पीसे 5 मिनट तक इसे मैंने पर पकाएंगे इसमें। हमारी पनीर चंगेजी बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको मेरी पनीर चंगेजी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहें। और प्लीज़ आप सजेशन बॉक्स में जाकर ज़रूर सजेस्ट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो। धन्यवाद।